हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज भाभी का बहुत बधाई का रसम है, तो हम तीनों बहन एक साथ काम करने वाले हैं और मेहमान का खाना भी हम ही बनाने वाले हैं। यहाँ देखिए, हम चूल्हे पे कुछ सजाने के लिए रखा है, खीर बनाना है हमको मेहमान के लिए। तो दादी को हमने खीर बनाने के लिए कहा है और दादी खीर बना रही है। और यहाँ देखिए, हम घर में नहीं बना रहे हैं खाना, बहुत सारा खाना बनाना था मेहमान के लिए, तो हम बाहर ही पेड़ के नीचे खाना बना रहे हैं। तो यहाँ हम चूल्हा जला रहे हैं, चालू कर रहे हैं खाना पकाने के लिए। तो मैंने सोचा कि खाना बनाने के लिए बहुत देर हो जाएंगे तो सबको भूख लगेंगे, तो हमने सोचा कि पहले हम सबके लिए नाश्ता बनाते हैं। तो यहाँ देखिए, मैंने सूजी गरम कर रही हूँ यहाँ नाश्ता बनाने के लिए। तो मैं यहाँ सूजी गरम करके लेती हूँ, तब तक वहाँ बहन कांदा और मिर्ची काप रही है। वो मेरी छुट्टी ये मेरी छोटी बहन है, कांदा और मिर्ची काप रही है। और यहाँ देखिए, भाई घास लाकर चंपा और चमेली को डाल रहा है। तो हम सब खा रहे हैं, तो चंपा चमेली को भी कुछ चाहिए खाने के लिए, तो भाई उसका भी इंतज़ाम किया है। और यहाँ दादी बैठी हुई है बाजू में, तो नाश्ता रेडी हो चुका है, सब लोग नाश्ते खा रही है। भाभी परोस रही है नाश्ता और हम सब लोग यहाँ बैठे हैं नाश्ता खाने के लिए। तो यहाँ देखिए, छोटी बहन नाश्ता खाने के बाद उसे आटा गूंदने के लिए कहा है, और मझली बहन को उसको बैंगन का भाजी बनाने के लिए कहा है, और मैं बना रही हूँ ढेसा। यहाँ देखिए, भाई दोनों भाई पानी लेकर आ चुका है पीने के लिए। तो ये मेरा छोटा भाई है, गाड़ी से उतर रहा है, और ये डब्बा लेकर। और यहाँ देखिए, मझली बहन बैंगन का भाजी बना रही है, उसको ही कहा था हमने बनाने के लिए, तो वही कर रही है। और यहाँ छोटी बहन आटा गूंद रही है। और यहाँ देखिए, खीर बना रही है दादी। और भाभी देखिए, उसको हमने कुछ नहीं लगाया था, उसे सिर्फ बैठने के लिए कहा था। और यहाँ समर्थ और संकेत का वीडियो चल रहा है, और पीछे पापा और दादी भी बैठे हैं। यहाँ देखिए, हमारी छोटी बहन ने कितने सारे आटा गूंद कर रखी है, और भी गूंद रही है। और यहाँ भाजी बना रही है मजली बहन। तो मैं भी उसके हाथ में हेल्प कर रही हूँ, मैं भी बना रही हूँ, उसके हेल्प कर रही हूँ। तो बहुत अच्छा लगा हमें खाना बनाते वक्त सब मिलकर, बहुत मज़ा आया हमें। ऐसा नहीं लगा कि हम काम कर रहे हैं, हमें तो बहुत ही मज़ा आया। जब तीनों बहन हम मिलकर काम कर रहे थे तो हमें ऐसा लगा कि हम कुछ काम नहीं कर रहे, मजाक कर रहे। तो यहाँ देखिए, छोटे छोटे टुकड़े बैंगन का डाल रही है बहन, और उसका काम कंप्लीट हो चुका है, वो बना रही है भाजी, उसका काम हो चुका है। अब इसके बाद मुझे बनाना है ठेसा, मिर्ची का ठेसा। ठेसा मैं बनाने वाली हूँ, और छोटी बहन वो नाश्ता बना चुकी है, और भात भाभी बना रही है, बनाने वाली है। उसको हमने कहा था तुम कुछ मत करो, फिर भी उसने मैं बनाऊंगी ऐसा कहा, तो हमने सोचा चलो ठीक है।
तो देखिए हमारी बहन कितनी अच्छी और कितनी स्वादिष्ट खाना बना रही है। तो खाना बहुत है तो वक्त ही लगता है। वैसे भी वो हमारे दोनों बहन सोलापुर में रहते हैं, वो ऐसे काम नहीं करते हैं, फिर भी बना रही है। तो देखिए आप सब लोग, और यहाँ देखिए दादी का खीर बनाने का तरीका। खीर अब पक चुका है तो उसमें डालना है मसाला और शुगर डाल के खीर को तैयार करना है। तो इधर बहन का भाजी भी रेडी हो चुका है। तो यहाँ देखिए भाभी ने भात बनाई है, मसाला भात बनाई है भाभी ने। तो यहाँ खीर भी बन रहा है। अब बाकी रह गया है मेरा ठेसा बनाना, और उसके बाद में बनाएंगे हम चपाती। यहाँ देखिए हमने दाल बनाया है, कड़ी पत्ता का पेड़ है ये, और इसे हम कड़ी पत्ता ही कहते हैं मराठी में। तो दाल बनाने के लिए कड़ी पत्ता लिया था हमने। यहाँ देखिए हमारे बड़े पापा भी बैठे हैं यहाँ, और यहाँ से हवा आ रही है तो पापा ने वो ताड़पत्री लगाया। और मैं यहाँ बना रही हूँ ठेसा। तो देखिए और इसमें डाला मैंने जीरा। तो यहाँ दादी लहसुन कूट कर रखी थी, तो और भी थोड़ा सा तेल डाला है मैंने, और लहसुन डाल के लहसुन डाल लेती हूँ। कड़ी पत्ता थोड़ी सी हलद, और ये चटनी है मिर्च की, मिर्ची की चटनी। मिर्ची की चटनी के बिना तो ठेसा नहीं बनता है। तो हमने हर बार का दाल जो होता है उसे रात भर भिगाकर और मिक्सर में डालकर उसे बारीक कर ले लिया है, और उसी से बना रहे हैं हम चटनी। और यहाँ देखिए हमारा ठेसा तैयार हो चुका है। तो मेरा तो काम हो चुका है। अब ठेसा बनाने के बाद अब कुछ नहीं रह चुका है, तो अब बनाने वाले हैं चपाती हम सब लोग मिलकर। तो ये देखिए हमारी ठेसा तैयार हो चुका है खीर के साथ खाने के लिए। तो यहाँ देखिए वह हमारा और खाना बहन का बनाना भी हो हो चुका चुका है है, तो आटा गूंदने हम का शुरू कर रहे हैं काम। कार्यक्रम। मेहमान भी तो आ चुके मम्मी हैं यहाँ और हम रेडी भी रेडी रेडी हो हुए चुकी है, बाजू तो में यहाँ चपाती देखिए बनाने के लिए। भाभी बैठ चुकी है कुर्सी पे, कार्यक्रम शुरू हो चुका है। तो यहाँ देखिए उसकी मायरी से मायके से लाई हुई साड़ी है, ये ग्रीन साड़ी, तो उस पर बहुत ही जच रहा है, बहुत ही अच्छा था साड़ी, सबको पसंद आया। तो यहाँ देखिए हमारी छोटी बहन रेडी होकर यहाँ भाभी के पास खड़ी हो चुकी है।
तो भाभी अब अंदर जा रही है, वो साड़ी पहन कर आने वाली है। तो यहाँ भाई बैठा है, तो यहाँ देखिए छोटे का क्या चल रहा है। और यहाँ देखिए भाभी रेडी होकर आ चुकी है। यहाँ कार्यक्रम हो चुका है, तो यहाँ देखिए हम कुछ वीडियोस और पिक्चर्स बना रहे हैं। तो हम यहाँ बाहर, बहुत ही अच्छा लगा, तो हमने बाहर आकर भाभी और भाई का फोटो ले रहे हैं, पिक्चर्स और वीडियो बना रहे हैं। तो देखिए कैसे, कितनी अच्छी लग रही है भाभी। और यहाँ मम्मी और पापा है हमारे, उनके लिए भी ये साड़ी ले आए थे मेहमान। सुने